क्या आपको पता है एनपीएस से ओपीएस में जाने पर एनपीएस में हमारे जमा पैसों का क्या होता है? जब हम एनपीएस से ओपीएस में जाते हैं तो एनपीएस में जो हमारा जमा पैसा है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीके व्लॉग्स, और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एनपीएस से ओपीएस में जाने पर हमारे एनपीएस में जमा पैसों का क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यू पेंशन स्कीम जो कि 2004 से लागू हुई है, जिससे कर्मचारी वर्ग जो है असंतुष्ट चला आ रहा, जिस कारण कई रानी पेंशन योजना लागू कर रही हैं या लागू करने का वादा करती दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल यही है कि पुरानी पेंशन योजना में जाने के बाद जो एनपीएस में कर्मचारियों का पैसा जमा, हमारा पैसा जमा है, उस पैसे का क्या होगा? क्या वो पैसा हमको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, जहां भी एनपीएस से ओपीएस लागू हुई है वहां पर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खुलवाए गए हैं। जीपीएफ जो है एक जनरल प्रोविडेंट फंड है। ये फंड जब चलता था, जब एनपीएस नहीं था, तब इस फंड को कर्मचारियों को उनकी नौकरी के दौरान बचत जमा करने के लिए एक अनिवार्य स्कीम हुई करती थी, जिसको हम जीपीएफ कहते हैं। तो इसी जीपीएफ खाते में एनपीएस का अपने हिस्से का जमा पैसा, मतलब एक जो सरकार जमा करती है हमारे अलावा और एक हमारी सैलरी से जो राशि कटती है 10% की, वो तो हमारे जो हिस्से का पैसा है वो हिस्से का पैसा जीपीएफ में ट्रांसफ़र किया जा रहा है एनपीएस से, और जो सरकार के हिस्से का पैसा है वो आपको निर्धारित पेंशन की तरह ही मिलेगी। जिस भी राज्य में और जिस भी केंद्र कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में किया जा रहा है, वो वहाँ वहाँ उनका एक जीपीएफ खाता खुलवाया जा रहा है और उनके जीपीएफ खाते में ही उनके हिस्से का जमा किया पैसा डाला जा रहा है। अभी हाल में ही जो है भारतीय मजदूर संघ और उनसे संबंधित सभी कर्मचारी संगठन जैसे प्रतिरक्षा मजदूर संघ BPMS जो है दिल्ली में एक दिवसीय धरना दी थी, जिसमें उन्होंने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी से मुलाकात की और उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया है कि NPS में जरूरी सुधार जो भी हैं कर्मचारियों के हितों में वो किए जाएंगे। तो साथियों, कुछ राज्यों में और साथ ही केंद्रीय संस्थाओं में कुछ जगहों पर ओल्ड पेंशन स्कीम NPS के कर्मचारियों को फिलहाल में लागू हुई है। केंद्रीय संस्थानों में एक DOPT का 3/3/2003 का एक आदेश है, जिसमें कहा गया है कि जिन भी कर्मचारियों की भर्ती संबंधी जो भी प्रक्रिया नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट 22/12/2003 से पहले हो गई है, उन्हें भी ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में पहले ये चीज़ क्लियर नहीं थी, क्योंकि 22/12/2003 से ऐसे कई साथी थे ट्रेड अप्रेंटिस के और भी, जैसे और भी जगहों पर, रेलवे में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में, कि जिनकी भर्ती संबंधित प्रक्रिया तो पहले हो गई थी, अनुकंपा नियुक्ति जिनकी हुई थी, लेकिन उनकी जो भर्ती थी वो भर्ती की डेट बाद में हुई थी। तो ऐसे में DOPT का आदेश आ गया है, जिनकी भी भर्ती संबंधित प्रक्रिया पहले हो चुकी थी और भर्ती किन्हीं कारणों से बाद में हुई है, तो उनको भी पुरानी पेंशन का फ़ायदा दिया जाए। तो ऐसे कई केंद्रीय कर्मचारी इस फायदे में आ गए। तो ऐसे सभी मामलों में NPS में जमा आपके हिस्से की राशि जो है वो GPF में ट्रांसफ़र करवाई जा रही है। GPF खाता जो है दोस्तों, वो मिनिमम आपका 6% मासिक कटौती उसमें की जाती है आपके सैलरी से, और मैक्सिमम उसमें 100% तक आप अपनी कटौती करवा सकते हैं। GPF खाते में आप आवश्यकता अनुसार पैसों की निकासी भी कर सकते हैं, जैसे आप NPS में मिनिमम 25% मैक्सिमम कर सकते हैं, इसमें GPF में आप 90% तक निकासी कर सकते हैं। GPF खाते से जो लोन की सुविधा भी दी जाती है और GPF खाता आपको ब्याज भी देता है। फिलहाल कई राज्यों में जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है NPS को हटाकर, वहां पर NPS का पैसा अभी केंद्र से मिलना बाकी है, क्योंकि जिस पर पत्राचार सभी सरकारें कर रही हैं, CRA NSDL जो कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, उसका कहना है कि जब NPS बनाया गया तो उसमें ऐसा कोई विकल्प या प्रावधान ओल्ड पेंशन में जाने का नहीं था, जिस वजह से NPS का पैसा राज्य सरकारों को देने का विकल्प नहीं है। दोस्तों, आप NPS से अपने हिस्से का जो 25% पैसा है वो निकाल सकते हैं, जिस पर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।